बीएसएफ के अलावा जो है या सीआईएसएफ के अलावा कोई भी हरियाणा पर्सनल चाहे एसपी डीसी है जो भी है यहाँ से एंट्री के बाद होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस कैंपस के अंदर थे और बहुत सारे हैं। दो तीन देखिए, कोई तो एक वो है, कोई जो आर ओ है मिस्टर श्रीनिवास है क्या है वो है, और दूसरा चलो डीसी एसपी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। केवल इशू ये है कि जो कैमरा को ऑपरेट करते हैं आज की डेट में अगर कैमरा आपने लगाया गया इतनी फेल्योर कैसे है कि वो कैमरा ब्लैंक हो जाए। एक तो हमने उनसे डिमांड की है कि आप हार्ड डिस्क लगा के हमें जो पूरे 24 घंटे की रिकॉर्डिंग है वो हमें दिखाई जाए। और दूसरी बात, जब गड़बड़ हो रही है तो दूसरी पार्टियों के लोग हैं यहाँ पर, बीजेपी के लोग क्यों नहीं आए, बीजेपी के कोई कैंडिडेट क्यों नहीं आए, उनको ये क्यों नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या वो क्यों क्या मान के चले 75 बार बिना आए, उनको क्यों नहीं लग रहा कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, क्यों दूसरे कैंडिडेट्स केवल यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरा तो केवल आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को दिखाएं कि डीओ चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, चाहे एसपी हैं, एक शब्द भी वो बताने की स्थिति में नहीं है कि इतने सारे बंदे कैसे घुस गए जब सारी चीजें सील हो गई थी। तो कोई आम व्यक्ति जो कि बिल्कुल वो अंदर ही है, हमने उनके कैमरा ले लिए हैं ना, हमने उनके फोन ले लिए हैं, वो बार बार फोन कर रहे थे किसी को, वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो लोग कौन है। आइडेंटिफाई कहा जा रहा है कि चुनाव भी दोबारा से होने चाहिए, कुछ कैंडिडेट से ये भी बात की है। देखिए ऐसा है, पहली बात तो यह है हमें ये चाहिए कि सीआईएसएफ बीएसएफ या जो भी एक टुकड़ी जो सेंट्रल फोर्सेज एज पर रूल होनी चाहिए, बीएसएफ की जो भी टुकड़ी होनी चाहिए उनके अलावा हरियाणा पुलिस के लोग अंदर कैसे जा सकते हैं और क्यों जा सकते हैं, उनका अधिकार ही नहीं है। जब कैंडिडेट नहीं जा सकते उनका कोई अधिकार नहीं है, उनको किसने अलाउ किया? एक तो हमें डीसी से ये जवाब चाहिए, ऊपर से एसपी से भी ये जवाब चाहिए कि वो लोग कैसे एंटर कर गए। और बात यह है कि दूसरा जो इतना सामान पकड़ा गया उसकी जांच करके बताएं वो क्या चीज है और क्यों है। विश्वास लोकतंत्र में इस तरह से हत्या करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। सीसीटीवी वाले मैडम जो अंदर है अनआइडेंटिफाइड लोग जो है, तो आप कैसे फेर की उम्मीद कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति अनआइडेंटिफाइड सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर्स जो उसको कर रहे हैं वो लोग हैं। हमने उनसे पूछा है कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, आपका क्या आई कार्ड है, आप किस कंपनी से हैं, वो एक शब्द भी बता तो क्या डीसी डीसीएसपी जज्जर ने कुछ बताया इस बारे में? ये लोग उनको नहीं पता, डीसीएसपी को नहीं पता, डीसीएसपी को नहीं पता, कोई पुलिस वाले, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो अंदर थे, वो सिविल में अंदर घूमते रहे और वो भी पकड़े गए हैं। 3-4 लोग और थे जो कि बीएसएफ के, वो पकड़े अंदर हैं लेकिन उन्होंने नहीं बता पाए। सबसे बड़ी तो चिंता का विषय है जब सारा कुछ होने के बाद डिस्कनेक्ट हो गए तो स्ट्रांग रूम की लाइट्स कैसे ऑन हो सकती हैं, जो बताया गया है। जब सब कुछ डिस्कनेक्ट हो गया और आपका आपने कहा कि फ्यूज निकाल दिया, कल ही मैंने कहा कि डिस्कनेक्ट होना चाहिए, उन्होंने कहा जी हमने फ्यूज निकाल दिया। तो ये है कि इतना सारा जो ठीक करने वाली, जब सब कुछ सील हो गया, सबके सिग्नेचर्स हो गए, एंड वाई द सेंट्रल इलेक्शन ऑफिसर जो यहाँ पे थे ऑब्जर्वर, वाई ही इज नॉट हियर? अगर आप कह दें तो मैं अभी भी उनको फोन कर दूं, मैंने कई फोन किए वो यहाँ पे नहीं आए। और आप उनसे केवल तो फ्यूज कहना था, उसमें तो लाइट काटी जाती है उसकी, कल भी मैडम ने लास्ट में बोल दिया एक भाई इसका जो है ना बिल्कुल लाइट डिस्कनेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो बोले हमने फ्यूज काट दिया, मैडम ने कल भी बोला था। मैडम आपने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी, रिकॉर्डिंग में क्या कुछ दिखा आपको? ऐसा है, रिकॉर्डिंग अभी कुछ नहीं दिखाई गई है, उनका कहना यह है कि हम आपको दिखा देते हैं। नहीं आप ये बताएं, मैं आप सबके सामने ये ऑन कर रही हूँ और मेरी उनसे कई बार बात हो चुकी, हमने डीसी को कह दिया, सबसे पहले तो उनको ही होना चाहिए था हमारे 4 घंटे में। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ पांडे जी, आई एम गीता बुकल दिस साइड, वाई यू आर नॉट हेयर इन द नेहरू कॉलेज? हाँ जी, नहीं नहीं, एक्चुअली आई वांट टू नो ओनली वन थिंग कि हम आपसे को इतनी देर फोन कर रहे हैं, हजारों लोग पहुंच गए, आप केवल रेस्ट हाउस से यहाँ तक क्यों नहीं आ पाए? कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आया, आप आ गए तो आ जाएं, वी आर वेटिंग फॉर यू, आप आ गए तो वी आर वेटिंग फॉर यू। तो इसमें इतना है, देखिए हम लोग पहले से ही, क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत खराब थी, एक तो आप, मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी जिसने चुनाव लड़ा है वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा? उनका एजेंट नहीं है या उनका कोई व्यक्ति क्यों नहीं पहुंचा? क्या उनको किस बात का खतरा नहीं है, क्या विश्वास है? हमें इस बात का कतई भी विश्वास नहीं है, जो यहाँ पर हरकत हुई है उसके बाद केवल और केवल हम डीसी महोदय से और एसपी महोदय से ये जवाब जानना चाह रहे हैं कि कुछ अधिकारी वो अंदर कैसे पहुंचे और कुछ ऐसे व्यक्ति जो अनआइडेंटिफाइड है वो अंदर कैसे पहुंचे, केवल इस बात का हमें जवाब चाहिए। जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम सब साथियों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रोड पे धरना देंगे। मैडम बीजेपी के उम्मीदवार
बकायदा गाड़ी भी दी हुई है मैडम। बीजेपी का क्यों उम्मीदवार देखा इसके पीछे क्या देखे आपने? देखिए तो आप बताएं, आप लोग बताएं, एग्जिट पोल बता रहे 75 पार 80 पार और क्या सेटिंग है? सेटिंग चल रही है और मशीनों में तो कुछ हुआ नहीं मैडम। गांव गांव में खुल के ये बोला गया कि चाहे कुछ भी हो जीतते हैं। मेरा केवल यही रिक्वेस्ट है, वोट नहीं थी फिर भी जीतते हैं। मेरा केवल रिक्वेस्ट यही है, एज पर द इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के हिसाब से CISF होनी चाहिए, BSF होनी चाहिए, हरियाणा की टुकड़ी नहीं होनी चाहिए थी। वो अंदर क्यों है? तीन तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। जब हमारे कैंडिडेट्स के जो हमारे साथ लोग हैं उनको तो बाहर बिल्डिंग से बहुत बाहर तक आप बैठने नहीं दे रहे हैं, तो पुलिस के कर्मचारियों को आप रुकने के लिए, दिस इज नॉट अ होटल, दिस इज नॉट अ रेस्ट हाउस, वाई दे आर अलाउड टू एंटर? अब उनको रुकने दिया गया और मेरी आपसे फर्स्ट फ्लोर पे रुकने उनको दिया गया। मैडम आपके इन सवालों का DC और SP ने क्या वो नहीं जवाब दे पा रहे? उनको पसीना आया हुआ है, उनके पास हम एक घंटे से थक गए। उसके बाद हमने उनको मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन लिखने के बाद मैंने कुछ कैंडिडेट्स को बोला अभी आपको वो वायरल हो जाएगी। एप्लीकेशन लिखने के बाद सभी पार्टी के जितने प्रत्याशी पहुंचे एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी, सभी ने उसके सिग्नेचर्स किए। वी वांट टू नो कि हम केवल जानना चाह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस के कर्मचारी यहां पर क्या कर रहे हैं, वो किसकी इजाजत से आए हैं, जो और जो कैमराज डिस्कनेक्ट हुए हैं वो डिस्कनेक्ट हुए हैं तो ये नॉलेज में RO की या DO की क्यों नहीं है? और नहीं है तो इतनी जनता को पता चल गया तो उनको क्यों नहीं पता चला? केवल इतनी सिंपल सी बात है, इतना बड़ा अन्याय अगर लोकतंत्र में होगा तो कैसे भला होगा, कैसे चलेगा? जिन अफसरों की जिम्मेवारी लगाई गई है वो अकाउंटेबल है, उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है।